हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 36 साइज़ का बोट नेक ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट का कटिंग स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। दोनों को ही मैंने अच्छी तरीके से प्रेस करके यहाँ पर कटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी जब भी कटिंग करें तो कपड़े को अच्छी तरीके से प्रेस कर लें। और देखिए, कटिंग से पहले इस तरीके से मैंने कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है और टोटल लेंथ इसकी 13.5 इंच है। तो 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है, 14.5 इंच और आधा इंच प्रिंसेस कट कटिंग के लिए लिया है। तो जो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है वो मैं 15 इंच ले रही हूँ बोट नेक के। तो 36 साइज़ में शोल्डर हमें 7.5 इंच लेने हैं, आर्म होल्स 7 इंच लेने हैं। इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर लें। और 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पे एक मार्किंग की है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने। 30 कमर है तो 30 का चौथा भाग 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इस तरीके से आप आर्मोल्स की गोलाई कर दें। तो यहाँ पर अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमें प्रिंसेस कट शेप देना है। तो आर्मोल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिया हुआ है। 1/2 इंच से थोड़ा कम मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन कर रही हूँ। तो इस तरीके से मार्किंग कर ले शोल्डर डाउन करने के लिए। देखिए, फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। शोल्डर के यहाँ से भी कट कर लेंगे। यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच, ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पे। इस तरीके से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दें और इसे आर्मोल्स की तरफ मिला दें। 1.5 इंच विड्थ में लेंगे, लेंथ में लेंगे 2 इंच और इस तरीके से शेप दे दें। तो ये हमारा प्रिंसेस कट के लिए पैटर्न ड्रॉ हो गया। 1/2 इंच ऊपर की तरफ यहाँ से कर ले, या फिर आप जब कटिंग करेंगे तब भी स्टिचिंग करेंगे तब भी इस पार्ट को आप जो भी एक्स्ट्रा है बैक पार्ट से नाप के आप अलग कट कर सकते हैं। तो 1/2 इंच इधर से मैंने ऊपर की तरफ लिया हुआ है, इसे भी कट कर लें आप। इस तरीके से देखिए शेप आया है और इसकी फिटिंग पहनने के बाद बहुत ही परफेक्ट आती है और बहुत ही ईजी तरीका है प्रिंसेस कट कटिंग करने का। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे कटिंग कर लिया है। इसे हम मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक का कपड़ा आप थोड़ा बढ़ाकर कट करें। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक के लिए आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर बुकरम लिया हुआ है। जो बोट नेक ब्लाउज है उसकी विड्थ है 4 इंच, चौड़ाई में 4 इंच लेना है हमें और लंबाई में भी मैंने 4 इंच लिया हुआ है। और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर दें आप। आप चाहें तो यहाँ पर उरेब पट्टी से भी शेप दे सकते हैं बोट नेक में। मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बुकरम को कट कर लिया है और इसे एक्स्ट्रा कपड़े पर अटैच कर लेना है आपको। अगर चिपकाने वाला है तो उसे प्रेस से अच्छी तरीके से चिपका लें आप। तो स्टिचिंग करते हैं यहाँ पर। स्टिचिंग के लिए देखिए, दोनों ही पार्ट्स को इस तरीके से रख लें आप और इसे अस्तर के कपड़े को मेन कपड़े के साथ अटैच कर लें। जो नेक की लंबाई और चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा या बढ़ा भी सकते हैं। 4.5 इंच अगर थोड़ा ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो 4.5 इंच तक भी ले सकते हैं। लंबाई भी थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं। और परफेक्ट बोट नेक पहनना चाहते हैं तो 4 इंच चौड़ाई में और 4 इंच लंबाई में परफेक्ट बोट नेक आता है। तो देखिए, इस तरीके से ये वाले पार्ट को भी हम अटैच कर लेंगे अस्तर के ऊपर रखकर। और फ्रेंड्स, कोई भी कटिंग में या स्टिचिंग में कन्फ्यूज़न होता है आपको तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से।
अब हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसे हम दोनों तरफ से अटैच कर लेंगे। खींचना बिल्कुल भी नहीं है आपको, सिर्फ बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। एक सिलाई और लगाएं आप इसके ऊपर। तो देखिए ये वाला पार्ट्स हमारा अटैच हो गया है। इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट्स भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट्स भी हमारा अटैच हो गया है और काफ़ी अच्छा पफ आया है प्रिंसेस कट में। नेक के लिए हम मार्किंग कर लेंगे, सेंटर पे कट लगा लेंगे, एक कट नीचे की तरफ भी लगा लेंगे और यहाँ पर सेंटर में मार्किंग करनी है हमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने बुकरम लिया हुआ है एक्स्ट्रा कपड़े पर और इसकी चौड़ाई नाप लेना है, क्योंकि हमने 4 इंच ली है तो 8 इंच आ रही है या नहीं बीच की जो चौड़ाई है नेक की, और इसे सिलाई लगा कर आप अटैच कर लें। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें और सिलाई लगा कर यहाँ से साइड से फोल्ड कर लें। इसका भी सेंटर निकाल लेना है हमें। सेंटर में मार्किंग कर लें। अब ब्लाउज़ का पार्ट लेकर जो नेक वाला पार्ट है हमारा उसके ऊपर इस तरीके से सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। अब नेक में फिनिशिंग देने के लिए पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई लगा लें। ध्यान रहे कि सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर ना आए, बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगानी है आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने बुकरम को नेक के ऊपर ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे आप कट कर लें। साइड में छोटे छोटे से कट्स लगा लें ताकि आपका जो नेक है वो अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगा देनी है ऊपर से फिनिशिंग के लिए। देखिए यहाँ पर नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम आर्म होल्स की गोलाई कर देंगे। तो सबसे पहले दोनों ही पार्ट्स को अच्छी तरीके से मिला लें आप। हमने कटिंग के समय नहीं दी थी क्योंकि हमारे प्रिंसेस कट के पार्ट जोड़ते समय ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाएं उसकी जो आर्म होल्स की गोलाई है वो इस तरीके से ही आपको देनी होती है। तो देखिए दोनों पार्ट्स को बराबर कर लिया है हमने और मार्किंग कर ली है 1/2 इंच जितनी, और इस तरीके से इसे कट करके निकाल दें। तो देखिए परफेक्ट शेप आ गया है यहाँ पर आर्म होल्स का। और फिर कटिंग करने के बाद आप इस तरीके से सिलाई लगा लें इसे। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लें। फ्रेंड्स मैं बहुत ही इजी तरीका लेकर आती हूँ कटिंग और स्टिचिंग का, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ पर हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं अभी बोट नेक ब्लाउज, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये इजी तरीके से। 36 साइज़ का बोट नेक ब्लाउज़ है ये। तो देखिए हमने यहाँ पर कमर पट्टी भी लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। तो सेंटर से मार्किंग करें 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी आपने लिया हुआ है उसकी मार्किंग कर लें। उसके बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है हम उसे निकाल के कट कर देंगे ताकि फिटिंग के समय हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लें। मैं यहाँ पर नेक पर लेस लगा रही हूँ, तो मैंने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर लेस लगा रही हूँ, क्योंकि उस तरफ मैं एक पतली लेस लगाऊंगी, इस तरफ मैं थोड़ी चौड़ी लेस लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने नेक पे 2 लेस लगाई हुई है। आप भी चाहें तो अपनी पसंद से जो साड़ी है आपकी उसके कॉम्बिनेशन में करके कोई भी लेस लगाकर नेक को सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है फ्रंट पार्ट।
और यहाँ पर बहुत ही जल्दी इसके बैक पार्ट का भी स्टिचिंग का कटिंग स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।